स्वागत है आप सभी का वीआर क्वेर में, जहां पर मैं यानी कि निलय आप सभी के लिए प्यारी प्यारी समलैंगिक स्टोरीज लेकर के आता हूं। आज मैं मर्दानगी स्टोरी का सेकंड एपिसोड लेकर के आया हूं। ये कहानी दिलचस्प है क्योंकि दो गे कपल के बीच क्या क्या होता है, हम सब कुछ इस कहानी के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एपिसोड को अगर नहीं सुना तो उसे भी ज़रूर सुनिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे की कहानी जानते हैं। रोहन और जमील महीनों एक दूसरे से सोशल ऐप पर बातें करने के बाद समय निकालकर फाइनली मिलते हैं और फिर जमील को रोहन की फिजिक और बातें करने का अंदाज बहुत आकर्षित करता है और ठीक वैसा ही एहसास रोहन को भी जमील के लिए होता है। दोनों पहली मुलाकात के बाद एक दूसरे के लिए और ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और फिर दूसरी मुलाकात भी अगले हफ्ते ही एक दूसरे के पसंदीदा रेस्टोरेंट में अरेंज करते हैं और वहाँ मिलते हैं। और इस बीच जमील रोहन की तरफ और ज़्यादा आकर्षण महसूस करता है और फिर दोनों रोहन के घर जाते हैं, बहक जाते हैं और फिर बहकने के बाद दोनों जिस्माना संबंध बना लेते हैं, पर रोहन ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से फारिक हो जाता है। फारिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये उर्दू शब्द है पर हाँ ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। और तब जमील का मूड खराब हो जाता है और गुस्से में रोहन को बहुत बुरा भला सुनाता है। जमील कहता है कि सारे टॉप एक जैसे होते हैं, कहने को कुछ और करने के वक्त कुछ और ही होता है। इतनी जल्दी हो भी गया तुम्हारा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था। बेचारा रोहन जलील सा महसूस करता है, पर रोहन बहुत प्यार से जमील को समझाता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा फील कर गया था और ऐसा एक्साइटमेंट की वजह से हुआ। फिर प्यार मोहब्बत देने के बाद जमील को थोड़ा शारीरिक सुख दिया रोहन ने, फिर थोड़ा जमील शांत हुआ। फिर भी जमील ने कहा कि तुम कह रहे थे कि हम साथ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे लिए शारीरिक सुख ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि तुम एक्साइटेड थे, पर मुझे अभी भी तुमसे वो प्यार वो सुख चाहिए जो आज तुम दे नहीं पाए हो। रोहन जमील को पसंद करने लगा था, उसने जमील की बातों को हल्के में लिया, पर रोहन ये नहीं जानता था कि ये बात सच में हल्के में लेने वाली नहीं थी। रोहन ने जमील से कहा कि तुम बस मेरे साथ रहने लग जाओ, जो बोलोगे वो करूँगा, वो सुख दूंगा और हाँ प्यार से रहेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। ये सब जो कुछ भी हुआ है आज वो तो सब एक्साइटमेंट की वजह से हुआ है, इस बात को प्लीज़ समझना तुम। जमील को रोहन ने गले से लगा लिया और फिर बोला कि सच कहूँ तो अब मेरी तलाश ख़त्म हो गई, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जमील ने तब रोहन से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए एक्साइटेड हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा केयरिंग इंसान हमेशा से चाहिए था। संबंध बना लेने के बाद भी जमील को एक कमी खल रही थी, एक अधूरापन, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था। पर जमील को रोहन का प्यार देना काफ़ी पसंद आ रहा था। रोहन ने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे, रात के 12 बज गए थे, दोनों बिस्तर पर लेटे यूं एक दूसरे को निहारते हुए बातें कर रहे थे और फिर रोहन ने जमील को बाहों में लिटाकर बातें करनी शुरू की। एक दूसरे को बहुत पास से जाना, एक दूसरे की खुशबू को जाना, एक दूसरे के स्मेल को दोनों पसंद कर रहे थे। इस बीच जब बातें चल रही थी, जमील का हाथ रोहन के ऊपर गया। रोहन बिना कपड़ों के लेटा हुआ था और उसे ठंड लग रही थी। रोहन जब कपड़े पहनने की कोशिश करता है, उठता है, जमील उसे मना करता है और ब्लैंकेट के अंदर कस के पकड़ लेता है। जमील अपने कोलकाता में जिनके साथ रिलेशनशिप में था उनको एक एक करके बंगाली में गालियां भी दे रहा था।
रोहन ने कहा कि यार बस करो ना, पास्ट था, भूल जाओ उन्हें, क्यों गालियां दे रहे हो, क्या ही फायदा है। तब जमील ने कहा कि मैं किसी को जल्दी भूलता नहीं हूँ। रोहन को जमील ने अपने रिसेंट एक्स का फोटो दिखाया और उसकी इस हिस्ट्री बताई और बताया कि बहुत प्यार था मुझे इससे, पर इसने चीट किया, खुद को टॉप बताता था और किसी और के साथ बॉटम प्ले करता था, झूठा मक्कार कहीं का। रोहन को जमील ने वादा किया कि वो कभी भी चीट नहीं करेगा, उसके लिए प्यार सबसे ऊपर है। अब जमील और रोहन की बातें होती रही और रोहन को जमील पर फिर से प्यार आने लगा। रोहन ने जमील को पकड़कर अपने सीने पर लिटाया और बोला कि पहली बार में जो नहीं हो पाया था, क्या अब हम वो ट्राई करें। जमील ने इतना सुनते ही कपड़े निकाल फेंके और कहा कि देखते हैं इस बार क्या कमाल करते हो, पहली बार में तो डिसअपॉइंटमेंट मिली है मुझे। रोहन ने इस बार ज़्यादा फील नहीं किया उसे और न ज़्यादा एक दूसरे से चिपका। उसने जमील से उसका फेवरेट पोज पूछा और फिर दोनों ने घंटों साथ में एंजॉय किया और इस बार फाइनली जमील के अंदर की जो भूख थी, जो तड़प थी, वो शांत हुई। जमील ने कहा कि अब तुम कपड़े पहन लो। जमील ने खुद कपड़े पहन लिए। जमील खुश था क्योंकि एक बार असंतुष्टि के कुछ देर बाद एक गर्म जोशी के साथ शारीरिक संतुष्टि मिली थी। जमील ने रोहन से कहा कि मेरी मॉर्निंग में ऑफिस है, जल्दी सो जाते हैं, मुझे मॉर्निंग रेस्टोरेंट से अपनी स्कूटी भी उठानी है, तो तुम प्लीज़ कार से ड्रॉप कर देना। रोहन ने कहा कि ओके कर दूंगा, खैर हम फिर कब मिलेंगे इसका सोचा है। जमील ने कहा कि सुबह बता दूंगा ना, अभी सो जाओ। ब्लैंकेट के अंदर दोनों एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर सो जाते हैं। रोहन बार बार जमील को हग करके सोने की कोशिश करता रहा, पर जमील रोहन के हाथों को बार बार हटा देता था, उसे शायद ये आदत नहीं थी। वो रात यूं कट गई और दोनों काफ़ी लेट उठे। रोहन की 1 बजे से शिफ्ट थी, पर जमील को तो निकलना था। जल्दी जल्दी रोहन भी रेडी होकर के गया जमील के साथ और फिर स्कूटी लेकर जमील अपने ऑफिस पहुंचा। इस बीच रोहन ने कई बार कॉल कर लिया था जमील को हालचाल पूछने के लिए और पहुंचा या नहीं, लेट तो नहीं हुए। अब इस बार रोहन बहुत खुश था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रोहन ने अपने इस नए रिश्ते, नए प्यार के बारे में अपने गे मित्र लक्ष्य को मैसेज करके बताया। उसने कहा कि उसे प्यार हो गया है। लक्ष्य ने मैसेज रीड करते ही कॉल बैक किया और बोला, अबे साले तेरे पे क्या जादू कर दिया उस बंगाली ने, बंगाल का काला जादू तो नहीं हुआ तुझ पे। रोहन बोला कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, असल में उसमें कोई कमी नहीं है, स्टाइलिश है, एजुकेटेड है, खूबसूरत है, दुबला पतला, सिल्की हेयर और क्यूटनेस की दुकान है। हाँ थोड़ा नखरीला है, पर मुझे तो एकदम प्यारा ही लग रहा है। लक्ष्य बोला कि यार ठीक से जान तो लो एक दूसरे को। तब रोहन ने कहा, काफ़ी दिनों से डेट कर रहे हैं, मैं उसे जान चुका हूँ, जैसा भी है मुझे उससे प्यार है। लक्ष्य बोला, फिर तो कोई बात नहीं है, अब ये बता कि हमसे कब मिलवाएगा। तभी लक्ष्य का कॉल उसके पार्टनर वरुण ने ले ली और बोला कि रोहन यार ऐसे काम नहीं चलेगा, पार्टी तो हम ले ही लेंगे, पर कब मिलवा रहे हो अपने सोलमेट से। रोहन शर्माने लगा और कहा कि हम दिसंबर तक साथ शिफ्ट हो जाएंगे, तब मिल सकते हैं, एक साथ मिलने में ज़्यादा मज़ा है। वरुण ने कहा कि अभी तो काफ़ी दिन है ना दिसंबर को, एक काम करो तुम दोनों संडे को हमसे मिलने आ जाओ ना, काफ़ी दिन हो गए मिले भी नहीं हैं, साथ डिनर के बहाने बातें भी हो जाएगी। यार हम भी तो मिले हमारे देवर की बेटर हाफ से। रोहन ने कहा कि अभी हम एक दूसरे को और जानने में लगे हुए हैं, मैंने दिल की बात कह दी है, बस हम जल्द डिसाइड कर लेंगे कि कब साथ शिफ्ट होना है। अब रोहन और जमील की बातें और आसपास का जो सारा माहौल था वो खुशनुमा हो चुका था। अब प्यार का एहसास ही कुछ होता है, रोहन को हर चीज़ में पॉजिटिविटी और हर एक चीज़ प्यारी लग रही थी। जमील का भी वैसे ही हाल होगा, दोनों हर रोज़ कॉल पर बात करते और उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता रहा। रोहन को लगा कि अब बस वो सुकून से जी पाएगा,
जमील के साथ। दोनों अब ज़्यादातर एक दूसरे को टाइम देते थे और ठीक 20 दिनों के बाद फाइनली जमील और रोहन एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं। रोहन बहुत ज़्यादा खुश था और जमील भी। दो सच्चे प्यार की तलाश करने वाले गे कपल आपस में शिफ्ट जो हो रहे थे। दोनों ने ही उस दिन छुट्टी ले रखी थी। रोहन 1 BHK फ्लैट में रहता था जहाँ काफ़ी बड़ा हॉल और बेडरूम भी काफ़ी स्पेस था। जमील का सारा सामान रोहन ने हॉल में सेटल कर दिया और दोनों ने पूरा दिन किसी की हेल्प ना लेते हुए खुद ही सारी चीज़ें की और इसी काम में हाथ बटाया। खैर, काम करते करते, चीज़ें शिफ्ट करते करते दोनों का हालत ख़राब हो चुका था। रोहन ने हॉल में अपना एक छोटा सा मंदिर रखा था जहाँ पर हर रोज़ सुबह ऑफिस जाने से पहले नहाने के बाद पूजा करता, ध्यान लगाता, मेडिटेशन किया करता था। किचन में खाना भी खुद बनाता क्योंकि रोहन को बाहर का खाना पसंद नहीं था, गुजराती खाना तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, रोहन ने देखा कि रूम शिफ्ट करते करते जमील की हालत जो है सच में बहुत बिगड़ गई है। शायद उसे इतने काम करने की आदत नहीं है। रोहन ने कॉफ़ी बनाई गर्मा गर्म और साथ में मैगी भी बनाया, जमील को सर्व किया। जमील तो बस पस्त था। उसने जब देखा कि रोहन ने ये सब किया वो बहुत खुश हो गया। अब दोनों ने आराम किया और फाइनली एक साथ प्यार भरे पल बिताए, एंजॉय करने लगे। शाम का वक्त हो चला था और दोनों थके भी थे। बातें करते जमील की आंख कब लग गई उसे तो पता ना चला। रोहन ने जब उसे सोता हुआ देखा उस पर उसे मोह आया, प्यार आया। रोहन ने जमील को सोने दिया और चुपके से कंबल से उसे उड़ाया ताकि ठंड न लगे, और रात के लिए खाना बनाने के लिए वो किचन में गया। अब जमील की आंखें जब खुली, रोहन ने जमील के लिए एग करी दाल रोटी बनाकर रख दी थी और कुछ चीज़ों में वो तड़का लगा रहा था। अब खुशबू को सूंघते हुए जमील किचन में गया और पीछे से रोहन को हक किया और कहा कि यार मुझे भी उठा लेते ना, मैं भी हेल्प करता। जमील ने ढका हुआ खाना खोल कर देखा तो और ज़्यादा खुश हो गया, बोला कि आज तो बहुत टेस्टी खाने को मिलेगा। जमील ने कहा कि यार मुझे भी खाना बनाना तो आता है पर मैं हर रोज़ नहीं बना पाता हूँ। रोहन ने कहा कि मेरी MNC की जॉब है, शिफ्ट चेंज भी होती है पर डिसिप्लिन के साथ में रहता हूँ मैं, और अपना खाना भी खुद ही बनाता हूँ, जिम भी जाता हूँ, टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। जमील ने कहा कि यार तुम तो मेरे सच में मर्द हो, हट्टे कट्टे तगड़े डिसिप्लिन वाले, मैं तो थक कर सो भी गया था पर तुम में बहुत ताकत है। रोहन ने कहा कि तुम भी मेरे साथ जिम ज्वाइन कर लो, 7 डंबल्स उठाएंगे। जमील ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे जिम तो नहीं हो पाएगा। अब रात दोनों साथ में खाना खाते हैं बहुत प्यार से, बहुत टेस्टी खाना था। जमील ने बहुत तारीफें की और वो पहली शाम आई जब दोनों साथ थे। रोहन ने जमील से पूछा कि सच सच बताओ, खाना खाकर तुमने जो तारीफ की वो सच्ची थी या झूठी? जमील ने कहा कि यार इतना टेस्टी खाना पता नहीं मैंने कभी खाया था, मैं भी तुम्हें किसी दिन अपने हाथों से बना खाना ज़रूर खिलाऊंगा। रोहन ने कहा कि अच्छा, तुम्हें कुछ पूछना था, मेरे कुछ गे फ्रेंड्स हैं जिनमें से लक्ष्य मेरे भाई के जैसा है, जो काफ़ी क्लोज है मेरे, वो और उसका पार्टनर वरुण तुमसे कब से मिलना चाहते हैं पर हर बार मैं ही टाल देता था, ये कहते हुए कि जब हम साथ में शिफ्ट हो जाएंगे तब आना, तो क्या मैं उनको नेक्स्ट संडे डिनर पर बुला लूँ? जमील ने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे भी कुछ दोस्तों को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ मैं। रोहन बोला कि लक्ष्य और उसका पार्टनर वरुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हें मिलकर अच्छा लगेगा। जमील ने तुरंत पूछा कि तुम्हारा दोस्त जो लक्ष्य है वो टॉप है या बॉटम है? रोहन ने कहा कि यार क्या ही पूछ रहे हो तुम, बट हाँ वो टॉप है। तब जमील ने कहा कि फिर तो ठीक है, बॉटम होता तो मुझे दिक्कत हो जाती। उन्हें संडे को बुला लो, संडे को इनवाइट कर लो, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। रोहन ने इतना सुनते ही जमील को अपने पास खींचा और कहा कि बाकी की बातें बाद में होगी, मेरा तो मूड हो रहा है तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर। जमील ने कहा कि मुझे सुबह सुबह ज़्यादा फीलिंग्स आती है। रोहन जिद करने लगा। जमील उसकी बात टालने लगा कि नहीं यार, अभी नहीं, ना अभी तो खाना खाया ना हमने।
रोहन ने कहा कि मुझे रात को फीलिंग आती है। रोहन ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर अभी मन नहीं तो ठीक है, नहीं करते। जमील को लगा कि उसने बुरा फील करा दिया रोहन को और रोहन रूठ गया। जमील बोला कि यार तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम्हें ऐसे रूठा नहीं देखना चाहता, चलो मुझे किस करो, मेरा मूड बन जाएगा। इतना सुनते ही रोहन टूट पड़ा जमील पर। दोनों ने एक दूसरे के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोशिश की विथ प्रोटेक्शन, पर किस करते हुए रोहन को फिर से ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी। जमील ने जैसे ही ब्लैंकेट के अंदर से रोहन के वहाँ पर छुआ हाथ लगाया, रोहन ने कहा कि हाथ मत लगाओ, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। पर जमील का भी तो मन था ना छूने का, महसूस करने का। उसने जैसे ही पकड़ा रोहन का तो काम ही हो गया। और क्या, जमील के हाथ गीले हो गए। रोहन सॉरी कहते हुए दूसरी बार एम्बेरस हुआ था इस रिलेशनशिप में, पर जमील का मूड बिल्कुल ही खराब हो चुका था ये देख करके। गुस्से से उठकर जमील ने अपना मोबाइल ही फेंक दिया और रोहन से कह दिया कि मुझसे दूर ही रहो। बेचारा रोहन क्या ही कहता, क्या ही समझाता, जमील सुनने को राजी ही नहीं था ना समझने को तैयार था। वो सॉरी कहता रहा, उसे गिल्ट हो रही थी, पर जमील का गुस्सा शांत ही नहीं हुआ। रोहन की मर्दानगी की इस स्टोरी में आगे क्या हुआ हम आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कल सुबह 5 बजे आएगी। मेरी स्टोरीज अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार भी दीजिए। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। लव इज़ लव, निलय का ढेर सारा प्यार।